नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं भगवान विश्वकर्मा की पूजन विधि करके दिखाने वाली हूं। तो चाहे आप छात्र जीवन में हो, कारखाने, व्यवसाय धंधा या दुकान ही क्यों ना चलाते हो, आप खाता पुस्तकें रखते हैं, मोबाइल या लैपटॉप में काम करते हैं, सभी को 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पूजन सामग्री देख लेते हैं, क्योंकि दुकान वगैरह में हमें सामग्री एकत्रित करके ले जानी होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको कोई भी चीज़ जो है भूलेगी नहीं। एक आध चीज़ हो सकता है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। तो पूजा सामग्री के लिए आपको चाहिए होगा, भगवान को आसन प्रदान करने के लिए एक लकड़ी का पट्टा ले लीजिएगा, उसी में बिछाने के लिए लाल या सफ़ेद कपड़ा। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे तो कलश के लिए कलश पात्र चाहिए होगा। अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल, आम के पत्ते, कटोरी में चावल, गेहूँ या सप्तधान रखने के लिए घी, दीपक और बाती। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना के लिए पान के पत्ते चाहिए होगा और उसके ऊपर सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी बनाएंगे। गोबर से गौरी जी या फिर हल्दी से भी आप बना सकते हैं। स्नान के लिए आपको चाहिए होगा जल चाहिए होगा, गंगा जल भी रख सकते हैं और पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद जैसा कि वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, तो वस्त्र स्वरूप अगर आप पीला या सफ़ेद वस्त्र ले लें, और अगर वस्त्र आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप मौली धागा भी वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा दो जनेऊ आपको चाहिए ही होंगे, गणेश जी के लिए, भगवान विश्वकर्मा के लिए। वस्त्र इत्यादि अर्पित करने के बाद आपको चंदन चाहिए होगा तो हल्दी, कुमकुम, सिंदूर वगैरह रख लीजिएगा। और इसके बाद आप फूलों की माला बना लीजिएगा, और फूल वगैरह अर्पित करने के बाद फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। तो फल, मिठाई, नैवेद्य जो भी आपके पास हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। नारियल चाहिए होगा आपको, और पान, सुपारी, हल्दी, इलायची, दक्षिणा वगैरह। इसके बाद धूप बत्ती, धूप दीप किया जाता है तो धूप बत्ती या दीपक, माचिस वगैरह, कथा पुस्तक चाहिए होगी आपको, हवन सामग्री, हवन सामग्री में जैसा कि उपले चाहिए होगा अग्नि निर्माण के लिए, घी और हवन सामग्री। अन्य जो पूजन सामग्री आप देख लीजिए, जैसे कि थाली वगैरह लगती हैं, दो लोटे चाहिए होंगे कलश की स्थापना के लिए, और एक स्नान वगैरह के लिए चाहिए होता है रुई, माचिस, कुश और आचमनी, घंटी, दीपक इत्यादि ज़रूर रख लीजिएगा। तो ये थी पूरी पूजन सामग्री, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। और अब आगे की तैयारी में सबसे पहले आपको एक लकड़ी का पटा या पीढ़ा बिछाने के बाद, उसमें कोई भी कपड़ा बिछाने के बाद भगवान की प्रतिमा को आसन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद आपको अष्टदल कमल बना लेना चाहिए। तो आटे से या चावल से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। इस प्रकार से चावल की ढेरी लगाकर 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बनाइए। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए कलश में जल भरने के बाद हल्दी, सुपारी, दक्षिणा, फूल इत्यादि कलश के अंदर डालें। आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर सप्तधान या फिर चावल, गेहूं आप रख के, दीपक रख के कलश तैयार कर सकते हैं। कलश तैयार करने के बाद गौरी गणेश की स्थापना के लिए पान के पत्ते के ऊपर चावल रखिए, चावल के ऊपर एक सुपारी में मौली धागा बांधकर भगवान गणेश की स्थापना कीजिए। साथ ही गोबर से या हल्दी से आप माता गौरी की स्थापना कर सकते हैं। गौरी गणेश की स्थापना के बाद आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी सारी चीजें हों, चाहे आप दुकान में औजारों से काम करते हैं, खाता पुस्तकें हैं, मोबाइल है, लैपटॉप से काम करते हैं, जो भी चीजें हैं आपके कार्य से संबंधित, जैसे कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, कैमरा स्टैंड है, माइक है, वही मैंने अपने कार से संबंधित रख लिया है। सभी चीज़ें पास में रख के पूजा उनकी भी करेंगे। सारी पूजा की तैयारी होने के बाद सबसे पहले अपने आप को पवित्र करके पवित्रीकरण किया जाता है। तो कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालने के बाद पवित्रीकरण कीजिए। इसके बाद आचमन किया जाता है। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लेना चाहिए। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, और इसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम पूजा का संकल्प लेंगे। हाथ में चावल, फूल, कुशा और जल डालने के बाद बोलना है, संकल्प में बोलना है कि मैं अपना नाम बोलकर भगवान विश्वकर्मा की प्रसन्नता हेतु या अपने सभी व्यावसायिक कार्यों में आने वाली बाधाओं की मुक्ति हेतु या सर्वोन्नति हेतु भगवान विश्वकर्मा की पूजन का संकल्प लेती हूँ। इस तरह से चावल, फूल भगवान के पास छोड़ दीजिए, कुशा वापस से उठा लीजिए पूजा करने के लिए, और इसके बाद पुनः आपको चावल फूल हाथ में लेकर भगवान का आवाहन करना है। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करना है कि हे श्री गणेश, मैं आपके पूजन हेतु आपका आवाहन और स्थापन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजें। इसके बाद माता गौरी का, हे गौरी माता, मैं आपके पूजन हेतु आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजें। कलश में सभी देवी देवताओं कृपया करके यहाँ पर विराजें और अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें। इसके बाद अब हम भगवान विश्वकर्मा का आवाहन और उनकी स्थापना करेंगे। तो पुनः हाथ में चावल और फूल ले लेना, हाथ जोड़कर भगवान विश्वकर्मा का आवाहन
आह्वान करना, हे भगवान विश्वकर्मा मैं आपकी पूजन हेतु आपका आह्वान और इस प्रतिमा में आपकी स्थापना करती हूँ, कृपया करके इस प्रतिमा में विराजे और अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें। ओम विश्वकर्माय नमः आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि। बोलते हुए चाल फूल छोड़ दीजिए। सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद पूजा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। सबसे पहले उन्हें कुश की मदद से जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद हम माता गौरी को कुश की मदद से जल से स्नान कराएंगे। गौरी गणेश को स्नान कराने के बाद हम कलश में भी जल अर्पित करेंगे। स्नान इत्यादि के बाद हम भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं हो तो जनेऊ की भावना करके कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जनेऊ कलश में भी अर्पित जरूर करना चाहिए। वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। माता गौरी को भी वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित कीजिए। वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को हल्दी लगाएंगे, माता गौरी को हल्दी लगाएंगे। इसी प्रकार से कलश का भी पूजन करते चलना है। हल्दी लगाने के बाद माता गौरी को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हल्दी कुमकुम के बाद अक्षत अर्पित करेंगे और इसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। माता गौरी के लिए अगर लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद हम भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास फल मिठाई नैवेद्य हो आप भोग जरूर लगाइए। भोग लगाने के बाद कुश की मदद से जल जरूर फेरना चाहिए भोग में। गौरी गणेश की पूजा के बाद अब हम भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले उन्हें कुश की मदद से जल अर्पित करेंगे। प्रतिमा में बने सभी देवी देवताओं को कुश की मदद से जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से लाल कपड़े से पोछेंगे और स्नान के बाद जैसा कि जनेऊ अर्पित किया जाता है तो हम भगवान विश्वकर्मा जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करने के बाद हम उन्हें वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करेंगे। आपके पास अगर पीला सफ़ेद कोई भी वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद हम हल्दी और कुमकुम लगाएंगे। भगवान विश्वकर्मा जी के साथ प्रतिमा में बने जो भी देवी देवता हैं उन्हें भी हल्दी कुमकुम जरूर लगाना चाहिए। हल्दी कुमकुम इत्यादि लगाने के बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फूलों की माला अगर आप बना सके। वैसे तो बहुत ही कम फूल थे मेरे पास तो हम पुष्पों की माला अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद हम भोग लगाएंगे। तो जो भी आपके पास फल मिठाई नैवेद्य इत्यादि हो आप उनसे भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद कुश की मदद से जल जरूर फेरना चाहिए भोग में। भोग में जल फेरने के बाद आपके कार्य से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हों, चाहे वो औजार हों, लैपटॉप हो, जो भी, जैसे कि दीपावली में आप सभी चीज़ों की पूजा करते हैं वैसे ही आप छोटी छोटी चीज़ों की जो है अक्षत चंदन से पूजा कर लीजिए। बड़ी जो मशीनें हैं वो आप उठकर बाद में कीजिएगा, अभी आसन से मत उठिएगा। छोटी चीज़ों की जो आपने पास में रखी उनकी ही आप पूजा कीजिएगा और बाकी चीज़ों की बाद में। चीज़ों की पूजा करने के बाद अब हम भगवान विश्वकर्मा जी को पान, सुपारी, हल्दी और दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो पान, सुपारी, हल्दी, दक्षिणा इत्यादि अर्पित कीजिए। साथ ही साथ गौरी गणेश को भी पान, सुपारी, हल्दी, दक्षिणा इत्यादि अर्पित कीजिए। कलश में भी अर्पित करेंगे, माता गौरी को भी अर्पित करेंगे और दक्षिणा इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करेंगे। तो धूप दीप कर लीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए या फिर दीपक जला के भी आप धूप दीप कर सकते हैं। धूप दीप इत्यादि करने के बाद अगर आपके पास कोई कथा पुस्तक हो, भगवान विश्वकर्मा जी की कथा हो, तो आप कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद आपको हवन करना चाहिए। तो हवन करने के लिए सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करके और अग्नि की पूजा की जाती है। तो अग्नि की पूजा के लिए सबसे पहले इस तरह से कुश की मदद से जल फेर लीजिए अग्नि में और इसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। और अग्निदेव की पूजा करने के बाद जो है आपको आहुतियाँ देनी चाहिए। हवन सामग्री में थोड़ा सा घी मिला लीजिए और इसके बाद आप आहुतियाँ दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरी देव्याय नमः स्वाहा, ओम विश्वकर्मणे नमः स्वाहा। इस तरह से आप जितनी भी आपकी इच्छा हो 5, 7, 11 आप उतनी आहुतियाँ दीजिए और हवन करने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। हवन अगर आपके पास व्यवस्था हो तो कीजिए, अग्नि जला सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं अगर नहीं है व्यवस्था तो। आरती करने के लिए दीपक के नीचे चावल रखने के बाद जैसे आपने अग्निदेव की पूजा की थी, जल फेर कर अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से आरती थाल की पूजा करने के बाद ही आपको आरती करनी चाहिए। अगर आपके पास आरती पुस्तक है तो आप विश्वकर्मा जी की आरती गाइए, नहीं है तो आप श्री गणेश की या फिर ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकते हैं। कॉपीराइट लग जाता है इसलिए मैंने ऑडियो नहीं दिया है। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है। तो प्रदक्षिणा कीजिए और क्षमा याचना कीजिए, जो भी पूजा में भूल चूक हो गई हो वो भगवान क्षमा करें।
क्षमा याचना के बाद अपनी मनोकामना जरूर मांगे कि आपके व्यापार में दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि हो। और इसके बाद आपकी एक और लास्ट विधि होती है, जिस आसन पे आप बैठे होते हैं उस आसन को आपको पीछे खिसकाकर थोड़ा सा इस प्रकार कुश की मदद से जल डालने के बाद आसन के नीचे का डाला हुआ जल माथे पे जरूर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। इसके बाद ही आपको आसन छोड़ना चाहिए। इसके बाद आप कलश को पीछे खिसकाकर गौरी गणेश के आसन को पीछे खिसकाकर उन्हें विदा करके और फिर विसर्जन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो आप उन्हें पीछे खिसकाकर विदा मत कीजिए, सिर्फ गौरी गणेश को ही विदा कीजिए। और उन्हें विश्वकर्मा जी को आप अगले दिन जो है किसी और भी स्थान पर रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी पूजा पूरी होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि मैं सभी व्रत त्योहारों से संबंधित पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ, चाहे वह पूर्णमासी हो, प्रदोष हो, एकादशी हो, शुक्रवार, गुरुवार, साथ ही साथ आने वाले सभी त्योहारों की पूजा विधि मैंने करके दिखाई है, चाहे वह करवा चौथ हो, हरतालिका तीज हो। तो आप प्लीज एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करने से मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।